नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज एक फिर एक नए वीडियो में बिजनेस आइडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि घर बैठे किस तरीके से आप चाहें तो छोटे स्तर पर ब्रेड का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों ये सर्दियों के मौसम में चलने वाले एक तरीके से खाद्य बिजनेस में से यह एक ऐसा बिजनेस है जिसका डिमांड कभी भी कम नहीं रहता है। दोस्तों इसका डिमांड हमेशा बढ़ते ही रहता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम पूरे विस्तार से समझेंगे कि कितनी लागत में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और गांव में रहते हुए किस तरीके से आप इससे कमाई कर सकते हैं और शहर में इस बिजनेस का क्या कंडीशन है और कितना ज्यादा मार्जिन कमा सकते हैं। तो दोस्तों मतलब पूरे विस्तार से समझने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए दोस्त आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप ब्रेड बनाने के बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, मतलब इसका बिजनेस शुरुआत करने के लिए सोच रहे हैं, तो दोस्तों इसमें दो कंडीशन के बारे में आपको सिंपल सा बता देने वाला हूं। दोस्तों इसमें दो तरीके से मतलब मुख्यतः मतलब दो प्रमुख तरीके से इसमें पैसा कमाया जा सकता है। दोस्तों एक वो तरीका है जिसमें आप उसका बेकरी स्टार्ट करेंगे, मतलब उसको बनाएंगे, और दूसरा वो तरीका है कि आप बेकरी से खरीद करके उसको सप्लाई करेंगे। प्रमुख तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मतलब बेकरी से होलसेल रेट में खरीद करके आप उसको चाहें तो घुमा करके छोटे मोटे दुकानों पर आप सप्लाई कर सकते हैं और उससे आप मार्जिन कमा सकते हैं। और जो पहला तरीका जो मैंने आपको बताया उस तरीके में आप उसका मतलब एक तरीके से फैक्ट्री ही समझ लीजिए कि फैक्ट्री लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस दोनों कंडीशन में अंतर क्या है और फैक्ट्री में कितना लागत कितना खर्च और गांव में किस कंडीशन में फैक्ट्री शुरू किया जा सकता है और दोस्तों आप उसको किस तरीके से मतलब बेहतर करके आप उससे कमाई कर सकते हैं और अपना समय भी बचा सकते हैं। तो दोस्तों मैं पूरे लास्ट तक मैं निवेदन करता हूं कि आप वीडियो को देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका मतलब होलसेल बिजनेस और फुटकर बिजनेस के बारे में कि दोस्तों अगर आप मान लीजिए उसका फैक्ट्री नहीं लगा सकते, आपके पास उतना पूंजी नहीं है, तो किस तरीके से थोक में खरीद करके उसको फुटकर में बेच सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें बात ये आती है कि आपको जिस एरिए में भी रहते हैं उस एरिए में आपको ये चीज पता लगाने की आवश्यकता होती है कि सबसे पहले बेकरी है कहाँ, मतलब उसकी फैक्ट्री है कहाँ, मतलब छोटी सी या बड़ी सी, मतलब है कहाँ जहां से आप माल खरीद करके आप सप्लाई कर सकते हैं या मार्केटिंग बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस चीज का पता लगाना बहुत जरूरी होगा। उसके बाद दोस्तों आपको ये चीज जानना होगा कि उसमें आपको रिसर्च करना होगा कि मार्केट डिमांड किस तरीके से है और मैं अगर उसमें कंपटीशन है तो मैं किस तरीके से अपना मतलब कमाई कर सकता हूं और किस तरीके से उसमें मैं कुछ मार्जिन भी कमा सकता हूं और एक तरीके से मैं अपना कस्टमर बेस और ज्यादा मतलब बढ़ा सकता हूं, तैयार कर सकता हूं, मतलब ज्यादा ग्राहक भी बना सकता हूं, जो दुकानदार लोग छोटे मोटे दुकानदार लोग हैं वहां पे मैं अपना किस तरह से सप्लाई कर सकता हूं कि बाकी मतलब लोगों से हमारा माल ज्यादा बिके। दोस्तों एक तरीके से ब्रेड जो एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो कि नाश्ते और टिफिन में एक तरीके से अभी इसका चलन ज्यादा हो गया और ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों एक तरीके से ये खाने का सामान है और खाने का सामान एक रेडीमेड सामान एक ऐसा चीज है दोस्तों कि आप इससे मतलब तुरंत मतलब अगर भूख लगाए तो तुरंत इसको खरीद करके खा सकते हैं और चाय के साथ तो ये एक तरीके से खाने पर मस्त ही कर देता है इंसान को। तो दोस्तों ये ब्रेड जो है ये बहुत ही मतलब बढ़िया चीज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप मान लीजिए इसका बिजनेस करना चाहते हैं ना, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि इसका मार्केट डिमांड में किस तरीके से आप इसे कमाई कर सकते हैं, मतलब एक बिजनेसमैन के तौर पे अगर आप इसको देखते हैं तो दोस्तों जो मैंने पहला आपको तरीका बताया उस तरीके से आप चाहें तो मतलब जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में पता कर सकते हैं कहाँ पे आपको माल मिलेगा, वहां से खरीद करके छोटे छोटे दुकानों पर, अब तो चाय के दुकानों पर भी ब्रेड मिलने लगा है, मतलब चाय के दुकान पर भी ब्रेड मिलने लगा है जो कि पहले नहीं मिला करता था, पहले नमकीन ही मिलता था, अब लोग वहां भी छोटे छोटे जो दुकानदार है वहां भी रखने लगे। और दोस्तों गांव के लिहाज से ये बिजनेस बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों एक तरीके से अगर आप बेरोजगार हैं तो 2-4 हजार पूंजी लगा करके आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, चाहे तो आप साइकिल से भी घूम करके दुकानों तक सेवा दे सकते हैं, मतलब दुकानों तक पहुंचा सकते हैं और आप उससे अपना मार्जिन ले सकते हैं, कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मान करके चलिए कि अगर इस तरीके से आप शहर में इस मतलब इस प्रकार के अगर बिजनेस को शुरू करते हैं तो मान करके चलिए कि
कोई बहुत ज्यादा पूंजी नहीं लगेगा, आपको वहां भी 2-4 हजार या 5 हजार रुपए की आवश्यकता होगी। आप उससे माल खरीद करके होलसेल रेट में खरीद करके आप उसको छोटे दुकानों पर मार्जिन ले करके अपना उसका सप्लाई कर सकते हैं, उससे आप बेनिफिट कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो दूसरा तरीका है इसका, जो कि मैंने पहले ही बताया, ब्रेड ब्रेड बिजनेस का जो दूसरा तरीका है जी, ये तो जो तरीका था ये मार्केटिंग का तरीका था जिससे आप मार्केटिंग करके पैसे कमा सकते हैं। लेकिन जो दूसरा तरीका है उत्पादन करने का, जी हाँ दोस्तों, बेकरी लगाने का। तो दोस्तों इस तरीके में एक एक तरह से समझा जाए तो गांव में भी अगर आप बेकरी शुरू करते हैं, बेकरी, तो दोस्तों उसमें आपको कोई मतलब बहुत ज़्यादा मतलब झंझट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मान लीजिए आपको मटेरियल गांव में ही मिल जाएगा, जो भी मटेरियल लगता है खाद्य पदार्थ है तो आपको गाँव में ही बहुत आसानी से किराने की दुकान से प्रोवाइड हो जाएगा आपको। अगर इस बिजनेस को, बेकरी ब्रेड बेकरी के बिजनेस को अगर आप छोटे स्तर पर भी अगर गांव में शुरू करते हैं तो भी दोस्तों आपको 1-2 लाख रुपए तक की पूंजी की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है दोस्तों। इससे कम में गांव में आप नहीं शुरू कर सकते, क्योंकि दोस्तों सबसे जरूरी चीज है, मान लीजिए खाने का सामान है, आप इसको बड़े स्तर पर शुरू कर रहे हैं तो सबसे जरूरी चीज है आपको खाद्य, जो खाद्य विभाग है उससे आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा दोस्तों। सबसे मतलब जरूरी चीज ये है, अगर ये आप ले लिए हैं तो दोस्तों आप एरिया का भी चुनाव कर सकते हैं और सब चीज का चुनाव करके आप चाहें तो मतलब बिजनेस शुरू कर सकते हैं, गांव या शहर जिस हिसाब से भी रहते हैं। लेकिन दोस्तों खाद्य सरकार से आपको परमिशन लेना होता है अगर इसका बेकरी या फैक्ट्री लगाते हैं तब। दोस्तों अब आ जाती है इसमें बात, एक और बात आती है, आपने पूंजी भी लगा दिया, माल भी तैयार हो रहा है, लेकिन उसको सप्लाई चेन किस तरह से बनाना है कि ताकि आपका माल भी बिके और आपको ज्यादा इनकम भी हो। तो दोस्तों इसमें दो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ जो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इस बिजनेस में नए हैं, जो अनुभवी लोग हैं वो तो इस बिजनेस को कर ही रहे हैं, कमा ही रहे हैं, लेकिन अगर आप शुरू करना चाहते हैं, मेरे दिमाग में दो ही तरीका आता है। जो पहला तरीका ये आता है दोस्तों कि आप अगर फैक्ट्री बेकरी बेकरी अगर शुरू किए हैं, बेकरी का बिजनेस, तो दोस्तों सबसे पहले आपको थोक सप्लाई चेन है, मतलब थोक अगर आप विक्रेता हैं या थोक बिक्री जो है आपका, वो मतलब एक तरीके से शुरुआती समय में थोड़ा बाकी जो मान लीजिए बेकरी या फैक्ट्री है उससे थोड़ा आप कम मार्जिन में ले करके, मतलब कम मार्जिन ले करके शुरुआती टाइम में दोस्तों आप उसको धीरे धीरे अपना कस्टमर तैयार कर सकते हैं, जो कि रिटेलर विक्रेता है वो आपसे माल खरीद करके लेकर जाते हैं। तो दोस्तों उसमें आपको बाकी लोगों से थोड़ा कम रेट में ही अपना माल देना होता है, ताकि आपका एक बार जब थोक विक्रेता का सप्लाई चेन जब तैयार हो जाए, मतलब आप जब एक तरीके से मतलब सभी लोगों की तरह आप भी उतना मतलब डिमांड ऑर्डर पूरा करते रहें, मतलब आपका बिजनेस चलने लगे, तब दोस्तों आप उससे एक तरीके से बराबरी का मतलब बाकी लोगों के हिसाब किताब में आप अपना बिजनेस चला सकते हैं या बेच सकते हैं। कोई भी मान लीजिए प्रोडक्ट आप बनाते हैं, बेकरी है तो जरूरी नहीं है ब्रेड बनाते हैं, और कुछ भी बना सकते हैं, पाव रोटी वगैरह जो चीज़ें होती है। तो दोस्तों दूसरा चीज ये होता है दोस्तों कि आपको इसमें फुटकर बिक्री भी जोड़ना पड़ेगा, मतलब उसमें अगर फुटकर लोग भी आते हैं खरीदने के लिए तो भी दोस्तों आपको उन ग्राहकों को भी आपको अटैचमेंट में रखना पड़ेगा, उनको भी आपको फुटकर रेट में सामान देना पड़ेगा और आपको कम कीमत ही लेना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जब तक लोग जानेंगे नहीं कि यहाँ ये चीज का दुकान है तब तक लोग कस्टमर कैसे आएगा अपने आप। तो दोस्तों धीरे धीरे जब आपका मतलब लोग जानने लगेंगे आपके शॉप, आपने बेकरी जहाँ पे बैठाया वहाँ से आपका फुटकर माल बिकने लगे तो आप समझ लीजिएगा कि मेरा बिजनेस चल पड़ा है। तो दोस्तों आप चाहें तो उसको बंद भी कर सकते हैं या चला भी सकते हैं, ये आपके प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों आप चाहें तो इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों इसमें एक बात आप जरूर जान लीजिएगा, मान लीजिए अगर आप लाइसेंस लेते हैं तो उसमें आपको ये जानना, आपको जानना होगा कि उसमें तय सीमा होता है या एक बार बनवाने पर चलता ही रहता है, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर तय सीमा है तो आपको रिन्यूअल लाइसेंस रिन्यूअल भी कराना पड़ता है। तो दोस्तों इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपना बजट खुद डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि कम से कम आप 2 लाख रुपए है तो आप इस बिजनेस को बहुत आसानी तरीके से गाँव में बेकरी का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ और फिर से किसी नए बिजनेस आइडिया और नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत, जय हिंद जय भारत।